रहेगा। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में डायोड के बारे में बताया, डायोड के डीसी एप्लीकेशन बताई। डीसी एप्लीकेशंस का मतलब बताया कि डायोड पर जब हम कोई डीसी सप्लाई लगा देते हैं तो व्हाट आर द इफेक्ट्स, उन सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम उस डायोड के ऊपर एक एसी सिग्नल लगा रहे हैं, राइट। और वो एसी सिग्नल जब डायोड पर लगता है तो हाउ द डायोड बिहेव, डायोड किस तरीके से बिहेव करेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो मेनली हमारे पास दो एप्लीकेशंस आती हैं डायोड विद एसी सिग्नल, वन इज द क्लिपिंग एंड सेकंड इज द क्लैंपिंग। तो दोनों का मतलब समझते हैं और फिर उनकी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स समझते हैं। ओके, तो पहले थोड़ा सा उसकी थ्योरी देखिएगा। एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय द क्लिपर, क्लिपर का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट थिंग, हमें सर्किट के अंदर कभी क्लिपर नाम की चीज नहीं दिखेगी। हमें पहचानना पड़ेगा कि यस दिस सर्किट इज क्लिपर सर्किट। तो किस तरीके से हम पहचानेंगे? नाउ मस्ट वन थिंग इज दैट क्लिपर सर्किट्स जो होता है उसमें एसी बायसिंग होती है, मींस जो सोर्स होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है? द करंट चेंज इट्स एम्पलीट्यूड विद टाइम, कंटिन्यूअस अपने टाइम के साथ एम्पलीट्यूड को चेंज करे। लाइक ये देखो, ये अगर एम्पलीट्यूड है तो कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड घट रहा है, बढ़ रहा है विद टाइम। दिस सिग्नल इज कॉल्ड एसी सिग्नल, राइट। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि क्लिपर सर्किट में जो सोर्स होगा वो एसी होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लिपर सर्किट? क्लिपर सर्किट का मतलब क्या होता है? द रिमूविंग ऑफ सम पोर्शन ऑफ द एसी सिग्नल, एसी सिग्नल के कुछ पोर्शन को रिमूव करना ही क्लिपिंग कहलाता है। क्लिपिंग आप देखो ना कि इस वीडियो को क्लिप कर दो, क्लिप मतलब उस पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव कर दो। अब वो पर्टिकुलर पोर्शन कौन सा हो सकता है भाई? जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एसी सिग्नल है, क्लियर। इस एसी सिग्नल के नीचे नीचे वाले पोर्शन को मैं हटाना चाहता हूं, मैं ऐसा बनाना चाहता हूं, तो ये हम कैसे करेंगे? डायोड को लगा देंगे। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कभी पढ़ा भी होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर नाम की चीज पढ़ी होगी। तो कई बार क्लिपर सर्किट्स को हम रेक्टिफाइंग सर्किट भी कह देते हैं। यहां पर कुछ सिग्नल को रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफिकेशन मींस होता है कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी, लेकिन क्लिपर जो है वो सबसे मेन चीज होगी, उसके बाद जो है रेक्टिफायर नाम की चीज आती है। तो क्लिपर सर्किट में हम किसी पर्टिकुलर सिग्नल के कुछ पोर्शन को रिमूव करते हैं। जैसे मैंने इसमें पोर्शन ऊपर वाला रिमूव कर दिया, हम ऐसे भी कुछ पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं। लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर का सिग्नल कर दिया, थोड़ा सा नीचे का सिग्नल कर दिया, मींस मैंने सिग्नल को इस तरीके से बना दिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो काम होते हैं वो क्लिपर सर्किट में होते हैं। किसमें होते हैं? क्लिपर सर्किट। तो सबसे पहले डेफिनेशन को क्लियर कीजिएगा। डेफिनेशन सिंपल सी यही है कि क्लिपर सर्किट्स के अंदर एसी सिग्नल के कुछ पोर्शन को रिमूव किया जाता है, राइट। अब क्लिपर सर्किट हम बनाएं कैसे? क्लिपर सर्किट को बनाने के लिए जो मेनली हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? वह फर्स्ट इज द डायोड। आपको सर्किट के अंदर डायोड जरूर मिलेगा, तभी वो क्लिपर सर्किट बन सकता है। रजिस्टर, सोर्स, एसी सोर्स मेनली, ठीक है, ये कंपोनेंट आपको क्लिपर सर्किट में मिलेंगे। अब आपको कोई सर्किट को पहचानना है कि क्लिपर है या नहीं, तो कैसे पहचानोगे? उस सर्किट के अंदर क्या होगा? आपका डायोड होगा। उस सर्किट के अंदर क्या होगा? रेजिस्टेंस होंगे। उस सर्किट के अंदर एक एसी सोर्स होगा जिसका सिग्नल को रिमूव करना है। उस सिग्नल में कुछ बैटरी वगैरह भी लगा सकते हैं। बैटरी वगैरह क्यों लगाते हैं आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि हमें पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव करना है, तो किस तरीके से बैटरी वगैरह हेल्प करती है, उन सारी चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, द सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, ये हमारे जो क्लिपर सर्किट होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं भाई। फर्स्ट इज द सीरीज क्लिपर एंड सेकंड इज द पैरेलल क्लिपर। सीरीज क्लिपर एंड सेकंड इज द पैरेलल क्लिपर। फर्क कितना सा है? सीरीज क्लिपर के अंदर जो डायोड होगा वो इस तरीके से सोर्स के साथ सीरीज में लगा हुआ होगा। ये सोर्स है, इसे सोर्स, इसके साथ सीरीज में अगर कभी भी डायोड लगा हो तो इसको हम क्या कह देते हैं? सीरीज क्लिपर कह देते हैं। ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं टाइप यहां डिस्कस क्यों कर रहा हूं? यहां से हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, उन पॉइंट्स से कुछ रूल बनाएंगे और वो रूल हम परमानेंट फिक्स कर देंगे हर एक सर्किट के लिए एप्लीकेबल होगा। नाउ इस सीरीज क्लिपर का मतलब कि सोर्स के साथ जो डायोड होगा वो आपका किसमें होगा? सीरीज में होगा। और आउटपुट जो है वो हम रजिस्टर के अक्रॉस लेंगे। आउटपुट किसके अक्रॉस लेंगे? रजिस्टर के अक्रॉस।
अब भाई सिंपल सी बात है, आउटपुट कभी भी अगर रजिस्टर के अक्रॉस ली जाए तो आउटपुट कितनी होगी, आई इंटू आर, ये तो होगी भाई। वोल्टेज कितनी होती है, आई इंटू आर। आई मतलब अगर करंट फ्लो करेगा तो हमें आउटपुट मिलेगी, बस सीधी बात है। अगर करंट जीरो तो आउटपुट भी कितनी, जीरो। अब एक सिंपल सी बात हो गई कि करंट फ्लो कब करेगा, अरे करंट फ्लो जब करेगा जब ये डायोड क्या रहेगा, ऑन होगा। जब डायोड ऑन होगा उस समय ही हमें आउटपुट मिलेगी इन केस ऑफ सीरीज वेव में। यहां से परमानेंट हमने रूल मान लिए, आगे बार बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप फिर एक बड़ी बात को देखिएगा, आउटपुट क्या होती है रजिस्टर के क्रॉस, आई इंटू आर। आई क्या होता है करंट, अरे करंट तभी फ्लो करेगा जब डायोड आपका क्या रहेगा, ऑन रहेगा। डायोड ऑन कब रहेगा बताना जरा, ऑन डायोड क्या उसकी फॉरवर्ड रिवर्स कंडीशंस को हम अभी भी देखेंगे। जब ऑन होगा करंट फ्लो करेगा और हमें आउटपुट मिलेगी। मींस सीरीज टिप पर में हमें कंसंट्रेट करना है जब डायोड ऑन हो, क्योंकि जब डायोड ऑन होगा तभी आपका करंट फ्लो करेगा और तभी आपको आउटपुट मिलेगी। एक नियम बना लिया, यहां से देख के बनाया और हमने कोई वो नहीं किया। नाउ सेकंड पॉइंट इज पैरेलल क्लिपर। पैरेलल क्लिपर के अंदर जो डायोड होता है वो पैरेलल में होता है द सोर्स। नाउ अगर डायोड ऑन हो जाता है तो क्या होता है, ऑफ हो जाता है तो क्या होता है, ये चीज हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर डायोड ऑन हो जाता है तो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, ऑन डायोड एक किसकी तरह काम करता है, वायर की तरह। एक आइडियल डायोड जब ऑन होता है तो किसकी तरह काम करता है जी, वायर की तरह, ठीक है। और अगर वो वायर की तरह काम करेगा तो वायर में अगर ये वोल्टेज जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये पॉइंट भी जीरो, तो हमें आउटपुट कितनी मिलेगी जी, जीरो। मींस हमें आउटपुट नहीं मिली, मेरी बात समझे सबसे। जब डायोड ऑन होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगी, मतलब आउटपुट कब मिलेगी, जब डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर ये दो पॉइंट क्लियर हो गए तो अब मैं कितने भी न्यूमेरिकल आपको करवा दूं समझ में ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे। क्या सिंपल सी बात है, क्लिपर सर्किट वो होता है जो एसी सो एसी सिग्नल के कुछ पोर्शन को क्या करना पड़े, रिमूव करना पड़े। कंपोनेंट्स क्या हो गए, डायोड हो गया, रजिस्टर हो गया, सोर्स हो गया, कुछ बैटरी हो गया, अभी न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि दो प्रकार का होता है, वन इज द सीरीज क्लिपर, सेकंड इज द पैरेलल क्लिपर। सर्किट को देखते ही आपको पहचानना होगा कि सीरीज है या पैरेलल। फिर उसके बाद सीरीज क्लिपर तभी आउटपुट देगा जब डायोड ऑन रहेगा, दिखा भी अभी एक्सप्लेनेशन, और पैरेलल क्लिपर काम तभी करेगा जब डायोड आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, क्लियर। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं। एक क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ करवाता हूं और फिर आप देखना किस तरीके से हम मूव करते हैं। सो नाउ आई टेक द क्वेश्चंस। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। मुझे नहीं पता कि सीरीज क्लिप पर है या पैरेलल क्लिप पर, मुझे एक बात पता है सीरीज में ऑन को कंसंट्रेट करना है और पैरेलल में ऑफ को कंसंट्रेट करना है, इससे ज्यादा मुझे अब नहीं पता, क्लियर। मैंने आपको नियम बता दिया। अब जब मैं एक सर्किट बनाता हूं आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ये हमारे पास एक सिग्नल हो गया और मैंने ये एक डायोड लगा दिया, ये एक रजिस्टर लगा दिया और भैया ये मेरी आउटपुट हो गई, क्लियर। तो सिग्नल लगाया वी इनपुट, वो मैंने लगा दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले इस इनपुट सिग्नल का ही थोड़ा सा देखें पंगा क्या है। देखो इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल, हाउ दिस सिग्नल वेरीज विद ए साइन ओमेगा टी, ये इसका फेज हो गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। बताओगे आप मेरे को बता सकते हो, इधर तो आपका वी इनपुट और यहां पर ये ओमेगा टी की वैल्यू है। बताओ जब ओमेगा टी जीरो रहेगा तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, जीरो। जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 हो तो साइन 90 कितना होता है,
वन, तो वैल्यू कितनी चली जाएगी मैक्सिमम, जब ये ओमेगा टी रहेगा, सॉरी ये जब ये 90 डिग्री रहेगा उस समय इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो गया मैक्सिमम, ठीक है। जब इसकी ओमेगा टी की वैल्यू जो है 180 हो जाए तो उस समय ये वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 180 जीरो, तो अगेन एम्पलीट्यूड कितना हो गया 180 पे कितना हो गया जीरो। फिर 270 पे माइनस वी नॉट, माइनस वी नॉट एट क्रॉसिंग, ठीक। तो ये हमारे इनपुट सिग्नल हो गया, एसी सिग्नल हो गया, जिसका मैक्सिमम वी नॉट है और मिनिमम कितना है माइनस वी नॉट, ठीक। अब इस इनपुट सिग्नल के साथ देखते हैं कि हमारा आउटपुट सिग्नल के साथ क्या होता है, ठीक। मीन्स में नीचे जो है आउटपुट सिग्नल बनाऊंगा, कर लिया सर। अब पहले हम इस क्वेश्चन को एक अच्छे से एक नियम बनाते हैं ताकि उस नियम को हम फॉलो कर सके बाद में। कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिखे ऐसा, सबसे पहले मेरे लिए बताओ कि ये सीरीज पेपर है पैरेलल, तो फर्स्ट थिंग इज सीरीज पेपर, क्यों भाई? क्योंकि डायोड सोर्स के पैरेलल, सॉरी सीरीज में, ओके। क्वेश्चन को समझने के लिए आप डायोड के दोनों साइड एक पॉइंट ए मान लो, दूसरा पॉइंट बी मान लो। स्टेप नंबर आइडेंटिफाई टाइप ऑफ क्लिपर सर्किट, जो मेरा आंसर जो इसमें आया वो सीरीज है, राइट। एक बार स्टेप करवा के अच्छे से नंबरिकल करवाता हूं, फिर इसको क्लियर को बढ़ाते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, ये कोई स्टैंडर्ड स्टेप नहीं है, नंबरिकल को सोल्व करने के लिए जो मैंने सोचा वो आपको बता रहा हूं। स्टेप नंबर सेकंड है कि टेक द टू पॉइंट ए एंड बी अराउंड द डायोड, टेक टू पॉइंट अराउंड डायोड से ए एंड बी। स्टेप नंबर फाइंड द वोल्टेज एट ए एंड बी पॉइंट, दैट इज वी ए एंड वी बी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल से देख लो, उसके बाद आपको कभी भी ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। इस ए और बी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज को निकालना है कब, एट ट्रांजिशन स्टेट। अब मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, देखो जी ध्यान से देखो, एक बात डायोड है वो एक ऐसा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दो मोड में काम करता है, एक जब ऑन होगा दूसरा जब ऑफ होगा। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जब वो ना ऑन हो ना ऑफ हो, मींस अबोव दिस पॉइंट क्या तो ऑन होने वाला है या वो ऑफ होने वाला है, मेरी बात समझे नहीं समझे? देखो एक डायोड इधर मान लो फॉरवर्ड बाइस है और इधर मान लो क्या है रिवर्स बाइस, तो ये जो स्टेट है ये स्टेट कौन सी कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट की खासियत होती है कि इस स्टेट के ऊपर सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो जीरो फ्लो करता है, मतलब सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या इतनी बात आपको अंडरस्टूड है? आगे चले, सर्किट के अंदर इस स्टेट के ऊपर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इस ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर मुझे ए और बी पॉइंट की वोल्टेज निकालनी है, कैसे निकालेंगे? दिस पॉइंट ग्राउंडेड है, ए पॉइंट की वोल्टेज निकालने के लिए मैं यहां से प्रोसीड करूंगा और इस पॉइंट तक आ जाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वोल्टेज निकालनी है तो वो वोल्टेज कैसे निकालते हैं, नियम समझो। ग्राउंड ढूंढो आसपास, ग्राउंड से लेकर उस पॉइंट पर पहुंच जाओ, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही उस पॉइंट की वोल्टेज होती है। तो यहां इस पॉइंट के लिए ग्राउंड ये, अब मैं इस ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचा तो मुझे बीच में एक रजिस्टर देखा, लेकिन रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज होती है
होती है वो क्या होती है, आई इंटू आर। लेकिन ट्रांजिशन स्टेज के ऊपर करंट कितना है जी, जीरो। That's why voltage at A is equal to zero. क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? Voltage at point A is equal to zero in this case. Clear? Now voltage at point B. Again ground से लेकर इस पॉइंट तक पहुंच जाओ। अब भाई कोई रजिस्टर नहीं छोड़ो, लेकिन एक सोर्स है Vin। तो सीधी सी बात है, जब ग्राउंड से लेकर मैं B पॉइंट तक पहुंचा तो मुझे एक सोर्स दिखा, that is the Vin। तो मेरी बात समझ में आई कि वोल्टेज एट पॉइंट बी इज जस्ट वी इन। क्या आपको स्टेप नंबर टू क्लियर हो गया, थ्री क्लियर हो गया? थ्री क्लियर ये था कि ए और बी पॉइंट पर वोल्टेज निकालना होगा। नाउ द थर्ड लास्ट पॉइंट, सीरीज में हम कंसंट्रेट करते हैं कब ये ऑन हो, क्योंकि जब ये ऑन होगा तभी आपको आउटपुट मिलेगी। अभी ऑन कब होगा देखते हैं, क्या ना ऑन कब होगा भाई, ये डायोड ऑन तब हो सकता है जब बी पर ए से वोल्टेज ज्यादा हो, मतलब वोल्टेज एट बी इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट ए, जब डायोड आपका क्या रहेगा, ऑन रहेगा। क्यों भाई, ये चीज कैसे समझाऊं मैं? देखो डायोड पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। डायोड फॉरवर्ड बायस में कब काम करता है, जब वोल्टेज एट बी मतलब पी पॉइंट हाई पर हो और एन किस पर हो, लो पर हो। तो पी बी से कनेक्ट है, एन ए से कनेक्ट है, तो अगर पोटेंशियल बी का ज्यादा होगा ए से तभी ये डायोड क्या रह पाएगा, ऑन रह पाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? और ये आइडियल है, इसीलिए जस्ट बड़ा होना चाहिए। अगर ये सिलिकॉन होता तो 0.7 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। क्या होना मैंने कहा, तो डायोड ऑन होगा तो कंडीशन क्या आई भाई, हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है ऑन पे, क्योंकि ऑफ पे तो आउटपुट जीरो है। अरे ऑन पर आउटपुट रहेगी, मैंने पहले बताया था ऑफ पर तो आउटपुट कितनी है, जीरो। अब डायोड ऑन कब रहेगा देखना जरा, बी पे वी इन इज ग्रेटर देन जीरो, जब वी इन ग्रेटर देन जीरो है उस समय डायोड क्या रहेगा, ऑन। और डायोड अगर ऑन हो जाता है, अगर ये डायोड ऑन हो जाता है तो किसकी तरह काम करता है, ये एक वायर की तरह। और वायर के केस में आपको सिंपली सीधे एक बात बताऊं, वी आउटपुट मतलब इन दो पॉइंट्स की वोल्टेज, और इस पॉइंट वी, देखो एक बात बताता हूं, चलो ये डी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। वी आउटपुट का मतलब क्या है, वी डी माइनस वी सी, मतलब इन दोनों पॉइंट्स की वोल्टेज डिफरेंस। वी सी कितना है, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जीरो, तो वी आउटपुट कितना हो गया, VD के बराबर हो गया। और अगर VD जो है, अब देखो हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, P is equal to A, A is equal to D, तो आउटपुट किसके बराबर आ गया जी, VA के बराबर, क्या कह दो, VB के बराबर। क्लियर, अरे समझे नहीं समझे? तो जब मतलब या ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो जो इनपुट लगाओगे वही मुझे आउटपुट मिल जाएगी, या कह दो V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट। तो जब V इनपुट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो भाई यहां पर है और यहां पर, भाई नीचे वाला तो ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, तो हमें उस समय आउटपुट मिलेगी, क्या मिलेगी, जो इनपुट है वही मिलेगी। So we get this type of the output. We get this type of output. चलो नियम बनाएं, एक फाइनलाइज कर दो इसको, दोबारा ऐसे मैजिकल नहीं करने कभी भी। सिंपल सा नियम बनाया मैंने, स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफाई करो कि आपका क्लिपर सर्किट कैसा है, सीरीज या पैरेलल। अगर सीरीज है तो आपको पता है जब डायोड ऑन होगा तभी आउटपुट आएगी, अगर पैरेलल है तो जब डायोड ऑफ होगा तभी आउटपुट आएगी। क्योंकि इसमें अगर डायोड ऑफ हो जाता तो बताओ कोई इनपुट के साथ इसका लेना देना होता क्या, नहीं। तो सिंपल सी बात, आउटपुट कितनी आनी है, जीरो आनी है। तो सीरीज क्लिपर के अंदर आउटपुट कब आएगी, जल्दी से बताओ, जब डायोड ऑन रहेगा। और पैरेलल क्लिपर के अंदर आउटपुट कब आएगी, जब डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लिपर सर्किट। सेकंड, टेक टू पॉइंट अराउंड द डायोड ए एंड बी। थर्ड पॉइंट, फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी एट द ट्रांजिशन पॉइंट। ट्रांजिशन पॉइंट वो है सिंपल सा, जब ना डायोड ऑन ना डायोड ऑफ, मतलब सर्किट के अंदर करंट कितना है, जीरो। अगर सर्किट के अंदर करंट जीरो है उस समय जल्दी से बताओ हमारी वी
ए निकाल दिया मैंने, वी भी निकाल दिया, और डायोड ऑन की कंडीशन को देख लिया। डायोड ऑन कब होगा जी, जब वी इनपुट ग्रेटर देन कितना होता है, जीरो, और उस समय आपको आउटपुट मिलेगी, उस समय आपको आउटपुट मिली। आउटपुट कितनी होगी, आउटपुट कितनी होगी, जब डायोड ऑन होता है तो वायर की तरह रिप्लेस कर देते हैं, उस समय के भी अंदर आके देख लो वी गेट द आउटपुट। क्लियर, चलिए आगे न्यूमेरिकल स्कोर आगे बढ़ाते हैं, जरा देखिए। अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल स्प्लिट करते हैं, चार पांच न्यूमेरिकल्स में तो बहुत अच्छे से हो जाता है क्लियर सर्किट। हेलो, इनपुट ये है इनपुट सिग्नल, ठीक, बताओ क्या होगा। हाँ भाई, पहला स्टेप बताओ जल्दी से, सीरीज क्लिप पर पैरेलल, बिल्कुल सीधी सी बात है, पैरेलल क्लिप पर। लो भाई, पहली चीज पैरेलल क्लिप पर किस पर कंसंट्रेट करना है, जब ऑफ होगा, क्यों, क्योंकि अगर सर्किट ऑन हो गया, बता देता हूं, अगर ऑन पर कंसंट्रेट करने लगे, ऑन में सीधा क्या करते हैं, वायर से रिप्लेस करते हैं, वायर अगर यहां पर जीरो है तो यहां पर भी जीरो, आउटपुट जीरो, जीरो से क्या मतलब है तुम्हारा, मेरी बात समझ। हमें कंसंट्रेट करना है कि डायोड ऑन कब होगा, डायोड ऑन कब होगा जब, सॉरी, सर्किट ऑन कब होगा, जब पैनल क्लिपर में डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, उसी समय आपकी इनपुट का इफेक्ट आएगा इस पर आउटपुट पे। करें काम, सेकंड टेक द टू पॉइंट अराउंड दिस ए एंड बी, अरे मन जी क्या ए कैसे बोले, नाउ फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट ए एंड वोल्टेज पॉइंट बी, बताओ बी पर कैसे निकाले, ग्राउंड से लेकर यहां तक गए तो जीरो, ए पर कैसे निकाले, बताओ ग्राउंड से लेकर इसके थ्रू इधर आए, तो भाई एक तो ये इनपुट आ गया, एक रजिस्टर आ गया, लेकिन मैंने बताया था कि ट्रांजिशन पॉइंट पर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, जीरो, तो ओनली वी इनपुट आएगी, तो वी ए कितना हो गया, जस्ट वी इनपुट, दो तीन बार इधर करोगे यूज हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट कंसंट्रेट करने, डायोड ऑफ कब होगा, भैया ऑफ होने का तरीका सिंपल सा है, जब ऑन ना हो, जब डायोड ऑन ना हो, तो ऑफ होने के लिए सिंपल सा फंडा यही है कि वोल्टेज एट ए शुड बी लेस देन वोल्टेज एट बी, अरे जब पी लो पर होगा और ए किस पर हो, एन हाई पर हो, तो ये क्या हो जाएगा, डायोड ऑफ। अरे मेरी बात समझे नहीं समझे, डायोड ऑन ऑफ कब होगा, जब आपका पी साइड एन साइड, पी लो पोटेंशियल पे और एन किस पर हो, हाई पर, तो ये तो ऑफ होगा। अब बताओ वी ए क्या है, वी इन लेस देन जीरो, तो ये भी बी हो गया, तो इस समय डायोड ऑफ होगा एंड वी गेट आउटपुट, और मुझे क्या मिलेगी, आउटपुट। तो ये कब है भाई, लेस देन जीरो तो ये है ना, तो लेस देन जीरो पर मुझे क्या मिलेगी, आउटपुट, लेस देन जीरो पर मुझे क्या मिलेगी, आउटपुट। एक बात और बता दो, एक बार पॉजिटिव क्लिप पर और नेगेटिव क्लिप पर पूछ लेते हैं, इसमें कौन सा पोर्शन काटा गया है, पॉजिटिव साइड का, दैट इज द पॉजिटिव क्लिप पर, पिछले वाले में नेगेटिव काटा था, इसलिए उसको नेगेटिव क्लिप पर कह देते हैं। ठीक, आगे चले थोड़ा न्यूमेरिकल स्कोर एडवांस करते हैं। थोड़ा सा जल्दी 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 पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो, है ना, लो सिग्नल कितना, लो बताओ जल्दी से 10 साइन ओमेगा टी, इस बैटरी को कितना, लो जल्दी से बताओ 5 वोल्ट, आइडियल ही है अभी भी। तो इनपुट सिग्नल क्या होगा, जल्दी से बताओ, कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर लेना, जो नहीं है वो नहीं बदल दूंगा, मैं एक बार जो बढ़ गया वो बढ़ गया। इनपुट सिग्नल कितना है, 10 साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम 10 हो सकती है वैल्यू, मिनिमम कितनी हो सकती है, -10, बस यही चाहिए, मैक्सिमम +10 और मिनिमम -10। चलो काम करना स्टार्ट कर दे,
ध्यान से सुनना क्या था भाई पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीरीज या पैरेलल अरे बताओ रे सीरीज सीरीज पर किस पे कंसंट्रेट करेंगे जो डायोड ऑन हो करेंगे ना तो डायोड क्या रहे ऑन रहे अब जल्दी से बताओ दो पॉइंट बना लो ए बी ए पर पोटेंशियल और बी पर निकाले जल्दी से बताओ जी बी पर बता दो पहले आसान है बी के ग्राउंड से लेकर बी पॉइंट पर गए तो ओनली इनपुट वोल्टेज आई लो जी बी इनपुट ए पर बताओ जल्दी से ए पर ग्राउंड से लेकर जब ये इधर आते हैं तो सबसे पहले तो रजिस्टर आता है रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा जीरो क्यों बीच पर जो आई इनटू आर एट ट्रांजिशन पॉइंट करंट इज जीरो फिर एक बैटरी आती है जल्दी से बताओ बैटरी का ये टर्मिनल प्लस ये टर्मिनल क्या माइनस अगर यहां से इधर आ रहे हैं तो बताओ पहले प्लस फिर माइनस प्लस से माइनस घट रहा है बढ़ रहा है अरे घट रहा है ना तो घट रहा है तो वोल्टेज को कैसे लेंगे माइनस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट ए पॉइंट पर वोल्टेज आ गई अब बताओ कंसंट्रेट किस पर करना है डायोड ऑन कब होगा भैया ऑन कब होगा जब बी पॉइंट पर ए से ज्यादा पोटेंशियल हो जाए जब बी पॉइंट पर ए से ज्यादा पोटेंशियल हो जाए तो डायोड ऑन हो जाएगा क्यों यानी कि पी साइड है एन साइड है तो सीधी सी बात जब पी हाई पर हो रहे हैं लो पर होगा तभी तो डायोड ऑन होगा और हमें ऑन पर कंसंट्रेट करना है क्यों क्योंकि ये सर्किट कौन सा है स्विच सर्किट है ठीक है देखो सुनो क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट के ऊपर वोल्टेज का भी रिलेशन बता सकता हूं लेकिन इतना समय हमें बर्बाद नहीं करना हमें सिंपल सा एक नियम बनाना है नेट को क्लियर करने का एक साधारण सा नियम समझ लो फर्स्ट थिंग एक तो आपको टेस्ट क्लियर करना है सेकंड थिंग आपको नॉलेज हासिल करनी है ठीक है अगर टेस्ट क्लियर करना है तो नॉलेज के साथ साथ आपके पास ट्रिक होना आवश्यक है मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड सोल्व होते हैं क्योंकि वहां पर हमारे टाइम बहुत कम होता है मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के इतने बड़े बड़े डेरिवेशन देखे हैं डब्ल्यूकेपी में पर्टर्बेशन के अंदर इतने बड़े बड़े डेरिवेशन है कि 15-20 मिनट उस पर सोल्यूशन करने में लग जाता है इंटीग्रेशन बट इफ यू हैव ट्रिक्स अगर ट्रिक्स है तो डब्ल्यूकेपी की प्रॉब्लम 2 मिनट में होती है ठीक है पर्टर्बेशन में 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगता कभी भी अगर आपके पास ट्रिक है तो इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रिक बेस्ड है सारा आपने सबसे पहले नियम समझा कि क्लिपर सर्किट दो प्रकार के सीरीज और पैरेलल वहीं पर आपने अंडरस्टूड कर लिया कि सीरीज में भाई ऐसे होता है पैरेलल में ऐसे होता है सीरीज के अंदर आउटपुट तभी मिलेगी जब डायोड ऑन रहेगा पैरेलल में आउटपुट जब भी मिलेगी जब ऑफ रहेगा ठीक नियम बना ली अब उन नियमों को चालू कर दो ये नियम कोई स्टैंडर्ड नहीं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नियम बनाए गए हैं शम से क्लियर तो ज्यादा इसमें बहुत भागा दौड़ी नहीं बतानी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अब वी पर कितना है वी इन ग्रेटर देन ए पर कितना है -5 वाह वाह जब इनपुट -5 से ऊपर आती है तो डायोड ऑन होगा मतलब उस समय मुझे आउटपुट मिलेगी लाभ बढ़ाने जिंदगी में ज्यादा नहीं होगा क्वेश्चन अगर मेरे नियम से चल गए तो -5 तो कहीं यहां होगा ना रे इससे ऊपर जब भी सिग्नल आएगा जब डायोड ऑन रहेगा मतलब मुझे आउटपुट मिलेगी और नीचे वाले में मुझे आउटपुट नहीं मिलेगी क्योंकि डायोड क्या रहेगा ऑफ मैंने कहा ना जब डायोड -5 से ज्यादा होगी उस समय डायोड क्या रहेगा ऑन और अगर डायोड ऑन है तो मुझे आउटपुट मिलेगी इट मींस मेरी आउटपुट कुछ इस तरीके से होगी ये कौन सा लेवल है जी -5 0 ये कौन सा है +10 ठीक है ना भाई इससे ऊपर ऊपर तो आउटपुट मिलेगी और नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया क्लिप हो गया ठीक है अब क्वेश्चन ही नहीं होता एक्चुअली मैं क्या मानता हूं हमारा जो रेफरेंस है वो जीरो होना चाहिए तो रेफरेंस जीरो कैसे करें भाई देखो फिलहाल रेफरेंस जीरो का मतलब क्या है कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो जीरो पर होना चाहिए हम ये मानते हैं अभी लोअर मोस्ट पॉइंट जीरो पर बनाने के लिए आप कई बार आपको अगर ऐसा भी कुछ मिल जाए बताओ इसको जीरो पर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा इसमें 5 को ऐड कर दूंगा इन सिमिलर वे अगर 5 आप इसमें ऐड कर रहे हो तो आप हर एक पॉइंट में ऐड करो देखो रेफरेंस चेंज करना अलग दिक्कत अलग सिस्टम है ठीक है हमें रेफरेंस को चेंज कैसे करना है अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज बढ़ाकर देखते हो तो
आप हर एक पॉइंट पर उस वोल्टेज को सिमिलरली क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, पीक टू पीक में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपका इस तरीके से आपको कई बार जो है क्वेश्चन मिल सकता है। कैसे बताओ जल्दी से, रेफरेंस कैसे चेंज करोगे? इसमें भी मैंने क्या ऐड कर दिया, प्लस 5 तक, ये कितना बन गया, 0 बन गया। बताओ अब इस 0 में भी कितना ऐड करेंगे हम, प्लस 5, और इस 10 में भी कितना ऐड करेंगे, प्लस 5, प्लस 5 हर एक में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो 5 बन गया जी, और ये कितना बन गया, 15। तो कई बार आपको ये इस तरीके से भी आंसर आ सकता है कि दिस इज द 15 वोल्ट, दिस इज द 5 वोल्ट एंड दिस इज द 0, दिस इज द 0। तो ये हमने एक और न्यूमेरिकल देखा, आपने सिंपल से नियम बनाए, उन्हीं नियमों को हम बार बार क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और देखो अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऐसे देखता हूं, देखना कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन हो, सपोज करो ये लो पांच ले लो, ये इनपुट लो, ठीक है, और इनपुट हमारे दोबारा कैसी है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले जूम की थी उसी टाइप की इनपुट ले लेते हैं। दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज -10 वोल्ट, करेक्ट न्यूमेरिकल। हाँ भाई, पहला पॉइंट क्या बताया था जल्दी बताओ, ये चेक करो कि ये सीरीज है या पैरेलल है। बताओ भाई, आउटपुट जब हम डायोड के अक्रॉस लेते हैं तो कौन सा केस पड़ जाता है, पैरेलल। बहुत अच्छी बात है, आपको एक चीज पता लग गया, अगर पैरेलल है तो हमें किस बात पर कंसंट्रेट करना है कि डायोड ऑफ कब होगा, डायोड ऑफ कब होगा, सिर्फ इस बात पर कंसंट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर डायोड ऑन होगा तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, और अगर जीरो यहां है तो आउटपुट भी मुझे कितनी मिलेगी, जीरो। इसीलिए कंसंट्रेशन हमें किस पर देनी है कि जब आपका डायोड क्या है, ऑन है। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि डायोड के अक्रॉस दो पॉइंट ले लो, से दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ठीक है, देखना टू पॉइंट्स अक्रॉस द डायोड। नाउ फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, कैसे निकालोगे जल्दी बताना भाई। वोल्टेज एट पी आपको कितनी दिखी होगी, 0 वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड से डायरेक्ट कनेक्ट है। वोल्टेज एट ए निकालना है तो ग्राउंड से लेकर यहां तक पहुंचे, कैसे पूछे बताओ, पहले तो क्या आ रहा है, वी इनपुट माइनस से प्लस, देखो ऐसे जाओगे ना इस पॉइंट के पास, तो पहले माइनस आया फिर क्या आया, प्लस। माइनस से प्लस का मतलब इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज अगर कभी भी होगा तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, प्लस 5। नाउ डायोड ऑफ की कंडीशन क्या, बताओ वोल्टेज एट ए लेस होनी चाहिए वोल्टेज एट बी, भाई पी पॉइंट लो पोटेंशियल पे होना चाहिए और एन हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, तभी आपका डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। हमें ऑफ क्यों चाहिए, क्योंकि पैरेलल पेपर है, उसमें ऑफ के अंदर ही आपकी आउटपुट आएगी, ठीक। तो व्हेन वी इज लेस देन वी, पुट करो जल्दी से, वी कितना है जी, वी इन प्लस 5 लेस देन 0, यहां से क्या आया, वी इन लेस देन -5, लो भाई -5, ठीक है। जब वी इन -5 से कम है उस समय डायोड आपका क्या है, ऑफ। पैरेलल में किस पे ध्यान देंगे कि ऑफ कब होगा, अगर ऑफ है तो कंडीशन ऑफ का मतलब क्या है, इसको हटा सकते हैं और हमारी इनपुट मुझे मिलेगी, मतलब आउटपुट मुझे क्या मिलेगी, इनपुट का इफेक्ट मिलेगा जरूर, मेरी बात समझे नहीं समझे। तो सिंपल सा फंडा है, इनपुट इज लेस देन -5 उस समय डायोड ऑफ होगा एंड वी गेट आउटपुट, और मुझे क्या मिलेगी, आउटपुट। जल्दी से बताओ, और अगर बताओ इससे अपोजिट कंडीशन हो, मीन ग्रेटर देन -5, तो क्या रहेगा, वो ऑन हो गया, और ऑन के समय में आउटपुट नहीं मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं जब ये -5 से बड़ा है उस समय मुझे नहीं मिलेगा, और उससे जब छोटा है तो मुझे आउटपुट मिलेगी। सो वी गेट दिस टाइप ऑफ आउटपुट। इसी तरफ बढ़ते हैं पेपर के, सो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं ऐसे, देखिएगा अपने हिसाब से क्वेश्चन को बनाने लग जाओ, जो भी बनाए हमें पता है कि पेपर में डायोड होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये डायोड आपकी बात पर सिलिकॉन डायोड लेता हूं, राइट, ये 5 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, और ये कोई इनपुट सिग्नल है,
और ये जो इनपुट सिग्नल हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से, दिस इज द प्लस 10 वोल्ट एंड दिस इज द माइनस 10 वोल्ट। इस सर्किट को सोल्व करना है तो अगेन मेरा पहला जो स्टेप रहेगा वो यही रहेगा। बताओ सीरीज क्लिप पर है पहला, अरे भाई सोर्स के साथ ये सीरीज में दिख रहा है तो ये क्लिप पर कौन सा हो गया, सीरीज क्लिप पर। सीरीज क्लिप पर में हम किस चीज का ध्यान रखते हैं कि कब आपका डायोड ऑन रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर डायोड ऑफ हो गया तो मतलब क्या होगा कि आउटपुट का इनपुट के साथ कोई लेना देना नहीं है भाई। ये सर्किट अगर ब्रेक हो गया तो इसका मतलब वी इनपुट और वी आउटपुट कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई हम फोकस करते हैं कब वो ऑन रहे, ओके। उसके बाद सेकंड बताया था मैंने कि दो पॉइंट लो ए एंड बी किसके अराउंड द डायोड, ये मेरे दो पॉइंट भी हो गए। उसके बाद बताया था मैंने नेक्स्ट पॉइंट की वी ए और वी बी को फाइंड आउट करो कि कितना है, किस पॉइंट पर, ट्रांजिशन पॉइंट पर। ट्रांजिशन पॉइंट वो पॉइंट बताया था कि जिस समय डायोड ना ऑन हो ना ऑफ हो, सर्किट में किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं करता, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बताओ, ट्रांजिशन पॉइंट। सो वोल्टेज ए पर अगर हम निकालनी है तो अगर हम ए पर निकालनी है तो ग्राउंड से इस तरीके से मूव करेंगे ए पॉइंट तक। मैंने बताया था किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज अगर निकालनी है तो ग्राउंड से लेकर उस पॉइंट तक का वोल्टेज ड्रॉप देख लिया करो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। अगर एक पॉइंट तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो बताओ वी इन आया, उसके बाद ये बैटरी आई माइनस से प्लस, माइनस से प्लस बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई प्लस 5 वोल्ट, राइट। बी पॉइंट की तरफ अगर मूव करते हैं तो हमारा एक रजिस्टर आता है, रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है वो V इक्वल टू IR होता है, लेकिन ट्रांजिशन पॉइंट पर करंट जीरो होता है, दैट्स व्हाई वोल्टेज जीरो हो जाएगी और VB भी कितना हो जाएगा, जीरो। नाउ ये डायोड नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम कंसंट्रेट करना है कि कब वो ऑन होगा, वो कंडीशन निकाल के है क्या है। देखो अगर हमारा डायोड आइडियल होता है, कैसा हो, आइडियल, और ये सपोज बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है ए, तो हमारा वीबी वीए से क्या होना चाहिए, जस्ट बड़ा होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर यही डायोड आपका सिलिकॉन है, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट, सो अगर सिलिकॉन डायोड है तो ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए कि बी पॉइंट बड़ा तो होना चाहिए लेकिन कितना बड़ा होना चाहिए, 0.7। एक बात समझो, बी पॉइंट की जो वोल्टेज है वो 0.7 ज्यादा होना चाहिए इससे ए से, मींस वीबी माइनस वीए कितना होना चाहिए, 0.7 से बड़ा, तभी ये क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस। और अगर VB माइनस VA जो है वो लेस देन 0.7 है तो क्या हो गया, रिवर्स। अरे जब फॉरवर्ड बायस नहीं है उस समय क्या, फॉरवर्ड बायस नहीं का मतलब क्या होता है, रिवर्स बायस, रिवर्स, समझे नहीं समझे। तो सिलिकॉन के लिए ये कंडीशन, अगर यहीं पर हमारा जर्मेनियम हो जाता तो ये 0.3 हो जाता और ये भी कितना हो जाता, 0.8। इसी चीज को हम लेके चलते हैं, सिलिकॉन है तो VB माइनस VA मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7। अब B पॉइंट पर कितना है, 0। A पॉइंट पे कितना है, V in plus 5 greater than 0.7, समझे। So minus V in minus 5 greater than 0.7, तो minus V in greater than कितना है भाई, ये 5.7। अरे ये है बेटा, है ना, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं, साइन को चेंज करते हैं तो V in is less than minus 5.7, ये कंडीशन हमें ओन की, ओन की कंडीशन मींस वी गेट आउटपुट, हमें आउटपुट मिलेगी। अगर इस कंडीशन की बात करते हैं कितना, माइनस 5.7 कहीं आया होगा, जब भी इनपुट माइनस 5.7 से छोटा है तो हमें आउटपुट मिलेगी, मतलब हमें आउटपुट मिली और ऊपर वाले नहीं मिली। लो दिस इज द ए पॉइंट। अब बताओ, कई बार मैंने बताया रेफरेंस को चेंज कर लेते हैं तो अगर इसको जीरो बनाना है तो मैं क्या ऐड कर दूं, इसमें भी 10 ऐड कर दूं, इसमें भी 10 ऐड कर दूं, तो ये तो कितना बढ़ गया, जीरो, और ये कितना बढ़ गया, मान लो 10 में से 5.7 घटाएंगे तो कितना बढ़ा, 4.3।
ये मैं सुना सकता है भाई, रेफरेंस को कम हो जाता है तो सेम अमाउंट से उस चीज को घटा दो तो रेफरेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर? तो आंसर ये भी हो सकता है, ये वस्तु पर सेफ फील दिस, पर सेफ कैसी रहेगी इस तरीके से। क्लियर? कई बार क्या कहते हैं इसको जीरो पूछ ले, इसको जीरो बना के आंसर दे देते हैं, तो इसको अगर जीरो बनाना है तो देखना रेफरेंस को जीरो बनाना है तो कितना ऐड कर दूं, इसमें भी 5.7 ऐड कर दूं, इसमें भी 5.7 ऐड कर दूं, तो ये तो जीरो बन गया और ये कितना बन गया बताओ, 50 नहीं नहीं कितना बन गया ये 4.3, कितना बन गया 4.3, वो भी माइनस का। तेरी बात समझे? समझे, रेफरेंस को चेंज कर सकते हो लेकिन द सेम विल बी लाइक दिस, सेम कैसे रहेगी इसी तरीके से रहेगी। क्लियर? ये कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन फॉरवर्ड बायस। ओके, एक छोटी सी बात उसमें और बताता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक्चुअली एक सिलिकॉन डायोड को हम समझ सकते हैं इक्विवेलेंट है इसके एक आइडियल डायोड विद 0.7 वोल्ट बैटरी। कैसे की देखना, एन की साइड लो पोटेंशियल, पी की साइड हाई पोटेंशियल, ठीक है? इस और ये केस आपका इक्विवेलेंट है। सिलिकॉन डायोड इज इक्विवेलेंट टू द आइडियल डायोड कनेक्टेड विद 0.7 वोल्ट बैटरी। इस चीज को मैं प्रूव करता हूं कैसे। सपोज करो मैं इसको आइडियल डायोड से रिप्लेस करता और एक 0.7 बैटरी से रिप्लेस कर देता, ये मेरा बी पॉइंट था, ये मेरा ए पॉइंट था, तो क्या क्या चेंज आते हैं और मैं देखना चाहता हूं कि लास्ट कंडीशन ये बन के आती है, ये बन के आती है, समझे? सो अगर ऐसा होता तो VA, VA तो सेम रहता भाई, कोई फर्क नहीं है। B में तो फर्क आ गया, क्या? इधर तो रजिस्टर और फिर बैटरी आ गई प्लस से माइनस मतलब घट रहा है, दैट्स व्हाई VB इज माइनस 0.7 वोल्ट। क्लियर? अब अगर ये डायोड आपका आइडियल है तो आइडियल डायोड की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि VB इज ग्रेटर देन VA, तभी वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और अगर VB greater than VA है तो VB is minus 0.7 greater than Vin plus 5, तो condition क्या बन गई, minus 0.7 minus 5 greater than Vin, तो condition क्या बन गई, Vin is less than minus 5.7 on की condition, यही condition ऊपर बनी थी। अरे मेरी बात समझे नहीं समझे, तो simple सा फंडा एक यहां से और ले लिया हमने, कभी भी कोई सिलिकॉन डायोड आएगा हम उसको रिप्लेस कर देंगे आइडियल डायोड विद 0.7, कभी जर्मेनियम होगा तो आइडियल विद 0.3। लेकिन ध्यान रखना ये जो आप सप्लाई अप्लाई कर रहे हो कैसे करोगे, एन की साइड लो बी की साइड हाई, समझे नहीं समझे? सो ये एक और पेपर का एक अच्छा एग्जांपल था। अब खुद से एग्जांपल बनाने लगते हैं, और एक और करवा देता हूं, कितने बना लो मन में वो बना लो, चलो मन में आया वो बना लो, तरीका बता दिया आपको, लो बेटर करेंगे। सबसे पहले बताओ सीरीज से पहले बताओ तो अगर हम आउटपुट ही इधर ले रहे हैं तो इसके पहले होगा नहीं, इट मींस दिस इज द पैरेलल पेपर, और अगर पैरेलल पेपर है तो हम किस कंडीशन की बात करते हैं, ऑफ की कंडीशन की बात करते हैं। मेरी बात समझे, जब डायोड ऑफ होगा, अरे ऑफ होगा तो ये सर्किट यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और इनपुट का इफेक्ट आउटपुट पे आने लग जाएगा। हम कंसंट्रेट करते हैं कि कब ये ऑफ रहेगा, रिवर्स सिलिकॉन लिया, ठीक है, तो ऑफ पर कंसंट्रेट करते हैं कि ऑफ जब रहेगा तब हमें आउटपुट मिलेगा। अब देखो जल्दी से, दो पॉइंट लेते हैं ए एंड बी। हम मैंने आपको एक थोड़ा तरीका बताया था कि सिलिकॉन डायोड को आप रिप्लेस कर सकते हो, बताओ किससे भाई, एक आइडियल डायोड विद 0.7 वोल्ट, बताया था पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। भाई एक बार तरीका बना लो फिर उसको हमेशा अप्लाई करते रहो,
तो मैंने क्या किया इसको 0.7 कर दिया। अब दो पॉइंट आपका, एक तो ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट कौन सा हो गया जी बी। तो जल्दी से हम वी ए एंड वी बी को कैलकुलेट कर लें। तो जल्दी से ए करवा दो बताओ, तो विद इन द सेकंड्स हो जाना चाहिए। तो वी ए जो हमारा होगा वो ग्राउंड से लेकर पहले तो वी इन आया, फिर माइनस से प्लस, अरे माइनस से प्लस बढ़ रहा है क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे प्लस पॉइंट। वी बी ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस से माइनस घट रहा है, दैट्स व्हाई माइनस 2 माइनस 0.7 या हम कह सकते हैं माइनस 2.7 वोल्ट। अब बताओ जी ऑफ की कंडीशन क्या होगी। ऑफ की कंडीशन ये होगी कि VB जो है वो VA से लेस हो, भाई P जो है वो लो पोटेंशियल पे और A जो है वो हाई पोटेंशियल पे रहे, मतलब व्हेन P टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड टू द लो पोटेंशियल और N टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड टू द लो पोटेंशियल देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड द रिवर्स बायस कंडीशन। तो ऐसा कब होगा जो VB इज लेस देन VA। अरे फॉरवर्ड सपोजिट यार, फॉरवर्ड की क्या होती है VB इज ग्रेटर देन VA एंड इससे अपोजिट क्या बन गई ये किसके बन गई रिवर्स बायस से। इसमें सोचना क्या है, अब लोग इनपुट करो माइनस 2.7 VA कितना है V in प्लस 5 सही जा रहा हूं, तो माइनस 2.7 माइनस 5 लेस देन V in कंडीशन बन गई मेरे पास V in इज ग्रेटर देन कितना कितना हो गया 5.7 माइनस 7.7 जब V गेट आउटपुट ऑफ कंडीशन आ गई। पैरेलल क्लिपर में हमें कंसंट्रेट करना है कब वो ऑफ हो, सीरीज क्लिपर में हमें कंसंट्रेट करना है कब वो ऑन। फिर बात समझे नहीं समझे लो ये सम्पर्ण सम कहां मिलेगा, अरे ये तो 10 था, ये कितना था माइनस 10 था, 7.7 के लिए यहां ले लो। जब ये 7.7 से बड़ा है मतलब ये है तो हमें आउटपुट मिलेगी नीचे का आउटपुट नहीं मिलेगा, तो वी गेट दिस टाइप ऑफ सिग्नल। क्या दिक्कत आ गई, रेफरेंस अगर चेंज करना तो कर लो, नहीं कोई भी क्वेश्चन कितने भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। एक और अच्छा क्वेश्चन है, नहीं खुद से बनाओ यार क्वेश्चन, जिस दिन खुद से क्वेश्चन बनाने में आ गया उस दिन फिर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिंदगी में। ये और अच्छा क्वेश्चन देख दो लगा ली बैटरी आइडिया ले लो फिर बढ़ाते चला जाऊंगा इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर लूंगा, क्या दिक्कत है। वीबी देखो मैंने आपको एक ट्रांजिशन पॉइंट के बारे में बताया था, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया था। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जब डायोड ना ऑन हो ना ऑफ हो, वो उसके अबो या बिलो अपने इफेक्ट को शो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको जस्ट एक बार ट्रांजिशन स्टेट के बारे में देखना है। कैसे देखोगे जरा ध्यान से सुनना, ये पॉइंट मेरा सपोज करो ए है, सिंपल सा फंडा है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा सी है और ये पॉइंट मेरा क्या है डी। सबसे पहले तो पैरेलल क्लिपर आपको दिख रहा होगा ना, अब आपने क्या लिया डायोड के अराउंड पॉइंट ले लिया, पहले तो एक डायोड होता था, दो डायोड, क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब उस ए और बी और सी पॉइंट पर हमें जल्दी जल्दी पोटेंशियल्स को लिखना है, ठीक। तो सिंपल सा फंडा यही है, हमने ए पर लिखा तो वो भी वी इन था, हमने सी पर लिखा वो भी वी इन था, भाई ऐसे यहां से यहां तक जाएंगे इस पॉइंट तक, ठीक है, तो वो तो वी इन हो गया। बी और डी पर अगर लिखना चाहें
तो बी पर कितना हो गया भैया बताओ, ग्राउंड से लेकर अगर इस पॉइंट पर जाऊंगा तो बी पर कितना हुआ, माइनस से प्लस बढ़ रहा है 1 वोल्ट, और डी पर कितना हुआ जी, प्लस से माइनस, माइनस 2 वोल्ट। अब इन दो पॉइंट्स को पकड़ो, एक्चुअली इस डायोड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बी पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल 1 वोल्ट आया है और डी पॉइंट पर कितना है, माइनस 2 वोल्ट। अब हमें पता है अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल 1 से बड़ा हुआ, ये बात समझ रहे हो भाई, 1 से अगर इस पर बड़ा हुआ तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी फॉरवर्ड कंडीशन क्या है, VA is greater than VP, भाई P आपका हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, N किस पे होना चाहिए, लो पोटेंशियल पर, तो इसकी फॉरवर्ड बायस होने की कंडीशन क्या है कि VA is greater than VP, और VP कितना है 1 वोल्ट, ट्रांसफर पॉइंट की बात कर रहा हूं जो करंट फ्लो नहीं कर रहा, सो इसकी ये कंडीशन फॉरवर्ड बायस होने की, और रिवर्स बायस की कंडीशन क्या है, VA is less than VP, बिल्कुल है नहीं, मतलब ए पर जब 1 वोल्ट से बड़ा हो जाएगा तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और 1 वोल्ट से नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स, मतलब ये जो 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट ये एक ट्रांजिशन पॉइंट है, इसके अब वो कुछ इफेक्ट है और बिलो कुछ इफेक्ट है, तो पहला ट्रांजिशन पॉइंट मुझे मिला 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ये मेरे को पहला ट्रांजिशन पॉइंट मिला जहां पर जो डायोड है उसका बिहेवियर अलग होगा, क्लियर की बात, उसके बाद इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करें, इसकी ओम होने की कंडीशन क्या है अगर बता सकते हैं मेरे को, VT is greater than VC, मतलब अगर मेरा VC माइनस 2 से कम हो गया, अगर VC कितना हो गया, माइनस 2 से कम हो गया, क्यों, VD कितना है, माइनस 2, अगर VC माइनस 2 से कम हो गया तो फॉरवर्ड बायस, और अगर माइनस 2 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, रिवर्स बायस, इसका मतलब माइनस 2 क्या है, जी बताओ जल्दी से, ट्रांजिशन पॉइंट, इसके अबो अलग इफेक्ट है और बिलो अलग इफेक्ट है, तो दूसरा लेवल मुझे कितना मिला, माइनस 2। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले ट्रांजिशन पॉइंट लिखा होगा, ट्रांजिशन पॉइंट क्या होता है जी, उस पॉइंट के अबो और बिलो इफेक्ट अलग अलग हो, वो कैसे देखेंगे, मैंने आपको तरीका बताया, आपने ए बी सी डी पॉइंट बना लिए, बी और डी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दिया जैसे पहले पोटेंशियल निकालते थे, और फिर वहां से मैंने कंडीशन देखी, अरे सिंपल सा फंडा यही है कि डायोड ऑन कब होगा, जब ये जो पी साइड है ना ये हाई पोटेंशियल पर होगी और एन जो है वो लो पोटेंशियल पर होगी, मतलब अगर ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है तो अगर वी ए वी बी से बड़ा होगा तब ये फॉरवर्ड बायस होगा, इन केस ऑफ आइडिया, इन केस ऑफ आइडिया, ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज समझ में आई, ट्रांजिशन पॉइंट का फंडा समझ में आया, अब अगर ट्रांजिशन पॉइंट का फंडा समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हो गया, कैसे, किस स्पष्ट, एक्चुअली इस ट्रांजिशन पॉइंट से मैंने कुछ रीजन बना लिए, क्या, एक तो 1 वोल्ट से ऊपर, एक 1 वोल्ट और माइनस 2 के अंदर, एक माइनस 2 से माइनस 10 के अंदर, तो मैंने केस फर्स्ट में व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, जब इनपुट 1 वोल्ट से क्या होती है, बड़ी, केस नंबर सेकंड में बना व्हेन वी इनपुट इज लेस देन 1 वोल्ट एंड ग्रेटर देन माइनस 2 वोल्ट, अरे ये रीजन, और तीसरा मेरा फंडा ये बना कि व्हेन वी इनपुट इज लेस देन माइनस 2 वोल्ट, मेरी बात समझे, ट्रांजिशन पॉइंट से मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने इसके रीजन बना लिए 3 रीजन, अब इन तीनों रीजन में इसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, व्हेन वी इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, चलो देखना जरा, इसका मतलब वी ए तो वी इन के बराबर था ना, तो व्हेन वी इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, When VP is greater than 1 volt, ये कंडीशन आ गई। अब जरा मेरे को एक बात बताओगे, इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा रिवर्स बायस होगा? देखना जरा, ये मैं डायोड 1 लेता हूं और ये मैं डायोड 2 लेता हूं। तो जब VA 1 volt से बड़ा है, हाँ जी, P side 1 volt से बड़ी आ गई, तो इसका मतलब D1 जो डायोड है, वो फॉरवर्ड बायस। D2 का स्टडी करें। सॉरी सी है ना,
अगर ये वीसी 1 वोल्ट से बड़ा आ गया, वीसी किससे बड़ा आ गया 1 वोल्ट। हां जाना वीडी तो -2 है और वीसी 1 वोल्ट है, मेरी बात समझे नहीं समझे? इस इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम बात करें तो जल्दी बताओ क्या पता लग रहा है, डी2 ऑन है या ऑफ है, क्या पता लग रहा है? जल्दी से देखना जरा, डी पर क्या है लो पोटेंशियल और एन पर क्या है हाई पोटेंशियल, तो ये क्या हो गया रिवर्स बायस। अरे एन साइड तो 1 से बड़ा और पी साइड क्या है -2, तो पी लो हो गया, एन क्या हो गया हाई, इज दैट्स व्हाई डी2 इज रिवर्स बायस। सो इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम ये बनेगा कि जो फॉरवर्ड बायस है उसको रख लो, किससे रिप्लेस कर देते हैं बताओ, जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो आइडियल तो इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं वायर से, और ये बैटरी है कितनी 1 वोल्ट। अब बताना भाई एक छोटी सी बात मेरे को, अगर ये ऑफ हो गया तो मैं इसको रिमूव करूंगा, पर मैंने एक दिन बहुत पहले एक बात बताई थी कि सी बैटरी का एक टर्मिनल कनेक्ट और दूसरा ओपन है तो इसका मतलब उस बैटरी का कोई अस्तित्व तो नहीं, तो अगर ये टर्मिनल इसका ओपन पड़ा है और ये सिर्फ ये कनेक्ट है तो 2 वोल्ट का कोई लेना देना नहीं है, इसको आप बिल्कुल सर्किट से हटा दो। तो बताओ भाई अगर यहां 1 वोल्ट है तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगी 1 वोल्ट, तो मुझे आउटपुट कितनी मिली 1 वोल्ट। क्या इतना अंडा समझ में आ गया? पहला केस समझ में आ गया, दूसरा केस व्हेन वी इन इज लाई बिटवीन -2 एंड 1, से इनके बीच का पॉइंट ले लेता हूं मैं 0 वोल्ट। अगर वी इन को 0 वोल्ट लेता हूं तो ए पर कितना आ गया 0 और बी पर भी कितना आ गया, सॉरी सी पर भी कितना आ गया 0। बताओ भाई अगर यहां 0 हो और यहां भी 0 हो तो जल्दी बताना क्या केस बनेगा। हेलो देखा P0 पर N1 पर रिवर्स बायस, N0 P -2 अगेन रिवर्स बायस, दोनों R1 D1 एंड D2 दोनों क्या हो गए रिवर्स बायस। दोनों अगर रिवर्स बायस हो गए तो आप सिंपल दोनों को हटा दो तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, इसको इसका मतलब सिद्धि की सिद्धि आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगी 1 वोल्ट। देखो सिद्धि की सिद्धि आउटपुट मुझे क्या मिल गई 1 वोल्ट। अगला केस व्हेन वी लेस देन -2 वोल्ट, सो करें तो -2 से एक छोटी कोई पॉइंट ले लो, से वी इन इज -2। अब मान लो कि वी इन कितना है -3। अगर इतना है तो जल्दी से बताओ मेरे को केस क्या बनेगा। अरे हाँ जी अगर V in माइनस तो मतलब VA -3 वोल्ट और VC -1, दोनों कितने हैं -3 वोल्ट, क्योंकि A और C इस पे कनेक्ट है ना। तो बताना भाई अगर ये -3 वोल्ट हो और ये -3 वोल्ट हो तो क्या केस बनेगा, जल्दी बताओ। देखो P -3 पे और N 1 पे, ओहो रिवर्स वाइज N -3 पे और P -2 पे, मतलब N लो हो गया ना P के कंपैरिजन में, इसका मतलब D1 डायोड रिवर्स बायस और D2 डायोड फॉरवर्ड बायस। अगर ऐसा केस होगा तो जल्दी से बताओ इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना, D2 को ऑन करना है तो क्या बन गया जिस कितना था ये 2 वोल्ट। हाँ जी तो यही हमें आउटपुट मिल जाएगी, तो हमें इस केस में आउटपुट कितनी मिली बताओ जल्दी से -2 वोल्ट। अरे कैसे भाई, अरे ये पॉइंट ग्राउंड है यार, इस पॉइंट में वोल्टेज निकालनी है कोई तो भी आउटपुट के बराबर होगी, तो यहां से यहां तक गए तो देखना प्लस से माइनस घट रहा है तो -2 वोल्ट। ठीक है तो 3 रीजन मिली, जब वी इन जो है 1 से बड़ा होगा उस समय आउटपुट कितनी मिली 1 वोल्ट, ये इससे बड़ा है तो आउटपुट कितनी मिलेगी इस समय 1 वोल्ट। जब वी इन जो है -2 और 1 के बीच में है तो जो आउटपुट इनपुट होगी वही मुझे आउटपुट मिलेगी, तो इस केस में इनपुट क्या है इस वन, तो ये आउटपुट मिलेगी
जब इनपुट माइनस टू से कम है उस समय आउटपुट माइनस टू मिलेगी, इस समय आउटपुट कितनी मिलेगी? वी गेट दिस टाइप ऑफ, आया समझ में? अरे आया नहीं आया? अब वो क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं आपके लिए, अच्छे से रोक के नोट करेंगे। लो एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दूंगा। पहले थोड़े से हिंट दे देता हूं, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। ये सिलिकॉन ले लिया और ये जर्मेनियम ले लिया, ठीक है भाई? ये सिलिकॉन ले लिया, ये जर्मेनियम ले लिया, न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो सिंपल से फंडा है भाई हमारे साथ, सिलिकॉन और जर्मेनियम कुछ भी ले लो, सिलिकॉन को किससे रिप्लेस कर देते हैं बताओ जल्दी से? एक आइडियल डायोड विद कितनी बैटरी भाई? 0.7। और जर्मेनियम को किससे रिप्लेस कर देते हैं? एक आइडियल डायोड विद 0.3 वोल्ट। अगेन ए सी बी डी, वी ए वी सी किसके बराबर है? वी इन। वी बी किसके बराबर है बताओ जल्दी से? ग्राउंड से इस पॉइंट तक माइनस से प्लस बढ़ रहा है 1 वोल्ट, माइनस से प्लस बढ़ रहा है प्लस 0.7, कितना आ गया? 1.7 वोल्ट आया है। डी पॉइंट पर देखना जी, प्लस से माइनस घट रहा है -2, प्लस से माइनस -0.3, कितना आया? -2.3 वोल्ट। इट मींस जो ट्रांजिशन वोल्टेज है वो 1.7 और -2.3 बढ़ गई भाई, क्योंकि इन्हीं के ऊपर और नीचे कुछ होगा। तो एक तो कितना 1.7, एक कितना -2.3, तीन रीजन बढ़ गए। कौन सा पहला रीजन बताओ जल्दी से? जब वी इनपुट ग्रेटर देन हो 1.7 से। दूसरा रीजन जब वी इनपुट लाई करे, किसमें बताओ? 1.7 से छोटी हो और और -2.3 से बड़ी हो। अगला केस जो वी इनपुट छोटी हो किससे? -2.3। तो एक तो ये रीजन, एक ये रीजन और एक ये जवाब है। इस रीजन के अंदर देखो, इस रीजन के अंदर अब मेरा केस सेम हो गया। जब वी इनपुट 1.7 से बड़ी, ठीक है, 1.7 से बड़ी, यहां पर तो 1.7 वोल्टेज आई है और यहां पर कितनी आई है? -2.3। 1.7 से V input is equal to 2 volt, मैं लेता हूं 2 volt। तो अगर बताओ V in मतलब यहां लग रही है वो किसके बराबर है? V A V C के बराबर है। तो अगर मान लो यहां पर 2 volt की जिक्र करता मैं, यहां पे 2 volt, तो बताओ कौन सा ओम होगा? हां जी, यहां तो 1.7 है और यहां 2 है, ये ओम हो जाता। ये क्या रहेगा? ऑफ। तो D1 ओम और D2 क्या होगा? D1 ऑन